बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजराती किचन में आप सबको खुश आमदीद। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने अपने घरों में होश और आबाद होंगे। तो चलिए आइए, मैं आज अपने किचन में बना रही हूँ बहुत ही मज़े का चना सैलड, जो कि सबको पसंद आएगा इंशाल्लाह अगर आपने ऐसे ही ट्राई किया मेरी रेसिपी। तो मैं बताती हूँ आपको चीज़ें। तो चीज़ें बताने से पहले मुझे लाइक करें, शेयर करें, अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो वीडियो एंड तक देखा करें, लाइक भी ज़रूर किया करें। तो चलिए मैं आपको सारी चीज़ें बताती हूँ, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं जो भी किचन में मौजूद होती हैं, हर घर में हर किचन में ये मौजूद होती है चीज़ें, कोई बाहर से लाने वाली चीज़ें नहीं हैं। तो जब भी आपका दिल करे कोई सिंपल सी आसान सी चीज़ खाने की, तो आप यही सैलड चना सैलड फॉलो कर सकते हैं, यही सैलड आप बना सकते हैं। तो ये ऐसे भी आप खा सकते हैं रोटी के चावल के बगैर। तो अगर आपने रोटी चावल के साथ खाना है तो आप रोटी के साथ इसे खा सकते हैं, सिंपल चावल पका के, तो उसके साथ भी सैलड बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। इधर मैंने एक प्याली वाइट चने ले ली हैं जो कि बॉयल्ड हैं, बॉयल करने वक्त मैंने नमक डाल के तो बॉयल कर दिया था। तो ब्लैक चने भी एक ही प्याली हैं, इसे भी मैंने नमक डाल के तो बॉयल कर लिया है। साथ ही तीन लेमन थे जिसका मैंने रस निकाल लिया है। साथ ही चाट मसाला है हसबे ज़रूरत। ये तो मैंने बंद गोभी ले ली है, वो भी हसबे ज़रूरत है। साथ ही मैंने हरा धनिया ले लिया है मुट्ठी भर के, जिसे मैंने काट के तो मैंने दो लिया। साथ ही एक हरी मिर्च है तो उसे मैंने लंबाई में काट लिया है। तो साथ ही एक अदद खीरा है, इसे भी मैंने बारीक काट लिया है। साथ ही एक टमाटर है मीडियम साइज़ का, इसके मैंने छिलके नहीं उतारे, बीज निकालने हैं, बीज निकाल के तो बारीक बारीक काट लिया मैंने। साथ ही इधर आधा चम्मच नमक है, नमक आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। तो इधर एक मीडियम साइज़ की गाजर थी, वो भी मैंने काट लिया बारीक बारीक। एक मीडियम साइज़ का प्याज है जिसे मैंने काट लिया, काट के तो फिर मैंने हल्का सा इसे धो लिया पहले, इसकी धोने से इसकी जो कड़वाहट है वो दूर हो जाएगी। आप भी जब भी प्याज ऐड करें किसी सैलड में तो हल्का सा नमक लगा के इसे मसल के अच्छी तरह धो के पानी के साथ, तो फिर आपने यूज़ कर दिया उसकी सारी कड़वाहट निकल जाती है, तो कड़वा नहीं लगता प्याज। तो चलिए सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो हम अपनी जो रेसिपी है आज पकाने वाली रेसिपी तो नहीं है, आज सारी चीज़ें हमने मिक्स करके तो हमने चना सैलड बनाना है। तो चलिए अब फिर हम तैयारी करते हैं इसकी, इसको मिक्स करते हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं हम इस सैलड को मिक्स। एक बर्तन में ले लेती हूँ, इसमें डालूंगी मैं वाइट चने, ब्लैक चने, अगर आपने आलू डालना है तो आप आलू भी डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है, मैंने नहीं डाला, तो अगर आप पसंद करते हैं तो आप डाल सकते हैं। इधर मीडियम साइज़ की गाजर है, एक मीडियम साइज़ का प्याज है वो ऐड कर देंगे। जो लोग डाइट करते हैं वो भी ये खा सकते हैं, बहुत ही उनके लिए हेल्दी है ये वाली चना सैलड। बंद गोभी ले लेंगे, कोई भी वेजिटेबल आपको जो पसंद है आप डाल सकते हैं, तो आपको जो नहीं पसंद आप स्किप कर सकते हैं। तो सीज़न में जो भी वेजिटेबल है आप डाल सकते हैं। हमने इधर डाला था टमाटर कटा हुआ एक मीडियम साइज़ का, एक मीडियम साइज़ का खीरा था वो मैंने फुल नहीं डाला, मैंने हाफ़ डाला है। तो देखिए जी माशाल्लाह कितना कलरफुल हमारा सैलड नज़र आ रहा है, खाने में बहुत ही मज़े का लगता है। कभी आपका रोटी पे या चावल पे दिल ना करे तो आप ये सैलड बना के खा सकते हैं। तो साथ ही हम हसबे ज़रूरत नमक ले लेंगे, नमक जो है आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है, ज़्यादा कम आप कर सकते हैं। इधर मैं चाट मसाला ले रही हूँ, मैं थोड़ा ही डालूंगी, अगर आपने ज़्यादा स्पाइसी बनाना है तो आप और मज़ीद ऐड कर सकते हैं। मेन चीज़ है इसका फ्लेवरफुल करने की लेमन।
इसके बगैर तो ये सैलड ज़रा अच्छा नहीं लगेगा, तो लेमन लाजमी आपने डालना है। 3 अदद लेमन थे जिसका मैंने रस निकाल लिया है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देखिए अल्लाह ताला ने हमें कितनी नेमतों से नवाजा है। जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें उतना ही कम है। तो चलिए अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो इस स्टेज पे आके आपने नमक भी चेक कर लेना है, अगर काली मिर्च ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर लें, चाट मसाला नमक कम आपको लगता है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह कलरफुल लग रहा है। तो इसमें मैं बस एक हाफ चम्मच चिली सॉस डाल दूंगी ताकि इसका फ्लेवर जो है ना ज़रा मज़े का बन जाए। बिल्कुल हाफ चम्मच मैंने डाला है। थोड़ी सी हम केचप डाल देंगे, केचप भी बस मैं 1 चम्मच के करीब डालूंगी ताकि इसका कलर रेड रेड अच्छा लगे। तो आप अगर आपको ये फ़्लेवर पसंद आता है केचप का तो आप डाल लें, अगर नहीं पसंद आता तो फिर आप ना डालें। हल्का सा मैंने डाला ताकि इसका ज़रा जो ना ज़रा कलर अच्छा सा बने। अच्छी तरह मैं मिक्स करूँगी। तो चलिए जी माशाल्लाह चना सैलड हमारा रेडी हो गया, तो मैं अब आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देखिए जी चना वेजिटेबल सैलड रेडी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी चना सैलड की रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आती तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए, तो ट्राई ज़रूर करनी है। तो चलिए इजाज़त दें, कल एक अच्छी नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें, दुआ में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।